नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे नए वीडियो के साथ। मीन लग्न पाइसिस असेंडेंट के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा? देखिए, इस्तेमाल किया है वर्ड लग्न असेंडेंट। अपनी ढेर सारी कुंडलियां है आपकी, उस कुंडलियों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर एस्ट्रोलॉजी के ऐसे वीडियो देखते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि इसका बेस क्या है और किस तरह से ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आपकी बहुत सारी कुंडलियों में से जिस पर लग्न कुंडली लिखा है उसमें पहले घर में नॉर्थ इंडियन स्टाइल की चार्ट है। ये साउथ इंडियन स्टाइल में ब्लॉक्स अलग होते हैं। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल की चार्ट में पहले घर में 12 लिखा है, यानी कि 12वीं राशि आपका लग्न है। 12वीं राशि मीन है, आपका मीन लग्न है। तो अगर आपका मीन लग्न है तो ही ये चार्ट, तो ही ये वीडियो देखिएगा। अदरवाइज फिर कंफ्यूजन करेंगे आप। याद रखिएगा, अगर आपका मीन लग्न है तो ये वीडियो आपको ज्यादा एप्लीकेबल है। आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्र लिखा है और वहां 12 लिखा है तो आपकी मीन राशि हुई। आप फिर से उस चार्ट को देख लीजिएगा, उसमें चंद्र कहीं भी लिखा होगा और उसमें 12 लिखा होगा तो आप अपने आप को मीन राशि के जातक है, आप मीन राशि के। उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मीन लग्न का प्रेडिक्शंस मैं दे रहा हूं। सबसे पहले ये बात, अभी देखिए ओवरऑल देखिए 30 जनवरी से 19 फरवरी विल बी अ बिग एक्सपेंसिव टाइम। आपके लिए कोई खर्चे का टाइम है, हो सकता है कोई ना कोई आप गलती कर जाओ, रॉन्ग डिसीजन से थोड़े केयरफुल रहिएगा। और इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। घर के बड़े बुजुर्ग है उसके लिए खर्चा है, थोड़े केयरफुल रहिएगा बड़े बूढ़े के हेल्थ के लिए। क्योंकि देखिए 30 जनवरी से 19 फरवरी में कोई एक आध हॉस्पिटल की मुलाकात भी करा सकता है, अकेले रहना पड़ सकता है, आपको खर्च आ सकता है, आप कुछ गलती कर सकते हैं। लग्न में आया हुआ ऑलरेडी मंगल ने भेजा खराब करके रखा हुआ है, आप में कुछ शक्ति का संचार हुआ है। लेकिन लग्न में मंगल देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देता है, मंगल का अनुभव आप ले चुके हैं। लग्नेश भाग्येश का परिवर्तन जो आपके बच्चे के स्थान में जो मंगल गुरु का परिवर्तन है वो भी अभी पूरा हो रहा है। बच्चे के बच्चे यहाँ और उस स्थान में लग्नेश जाकर बैठा है, यानी कि बहुत अच्छे टाइम में एजुकेशन। अगर जो आप स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन के लिए देयर इज नो क्वेश्चन, बहुत अच्छा समय बीत रहा है। आपके इस गुरु की एस्पेक्ट आपके फिफ्थ हाउस पर है, पंचम सन में ऑलरेडी राहु है, एजुकेशन हाउस में ऑलरेडी राहु है। लास्ट ईयर उसने खराब किया होगा, एक आध रिजल्ट आपका खराब किया होगा, कम परसेंटेज, बट ये रिजल्ट आपका अच्छा रहेगा। गुरु आपके नवी दृष्टि से आपके एजुकेशन हाउस को देख रहा है, नवी दृष्टि से एजुकेशन हाउस को देख रहा है। और राहु भी मार्च को बदली हो रहा है, 7 मार्च को, यानी कि अपने संतानों से भी कुछ शिकायत तो आपको है, समझो होगी, क्योंकि राहु फिफ्थ में होता है तो बच्चे कभी कभी कोई कायदे कानून मानने से इनकार करते हैं। राहु डोंट बिलीव इन एनी रूल्स। राहु संतान साथ में आया हुआ, राहु आपके बच्चे अपने कायदे कानून खुद बनाएंगे, उसके जीवन में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें। आपके एजुकेशन में आपको विफलता मिली है लास्ट ईयर, बट अब वो राहु फोर्थ में जा रहा है। राहु का फिफ्थ हाउस में जाना, फोर्थ हाउस में जाना देखिए अच्छी बात नहीं है। राहु फोर्थ हाउस में जाएगा 7 मार्च के बाद, यानी नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिफ्थ हाउस में है, वो आखिरी चरण में है, गुरु से दृष्ट है, राहु की नेगेटिविटी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अभी कर्मस्थान में शनि है, केयरफुल रहिएगा। देखिए कोई भी गलत काम करते हैं आप, गलत जो चीज आपके मन को मंजूर नहीं है कर्मस्थान में वो चीज नहीं करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए कर्मस्थान का शनि तकलीफ देता है, प्रतिष्ठा को तकलीफ देता है। नंबर वन प्रतिष्ठा, यानी कि काम धंधे में कहीं ना कहीं से ट्रबल हो और आपको प्रमोशन जैसा ग्रेड नहीं मिलने देगा, वो कर्मस्थान में शनि है तब तक। और ये शनि 2019 पूरा साल आपके कर्मस्थान में ही है, 2.5 साल का सफर है शनि का, उसमें से 1.5 साल पार कर दिया, 1 साल और बाकी है। शनि के मंत्र करते रहिएगा, हेल्प द पुअर पीपल, शनि 12वें स्थान में है, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। लग्नेश 9th में है, एक और 2019 का साल आपके लिए बहुत लकी रहेगा, आपके बच्चे के लिए लकी रहेगा, बच्चों के बच्चे के लिए भी लकी रहेगा, आपके जीवन में स्थिरता भी देगा। 5वीं दृष्टि उसकी लग्न पर है, शर्त है आप किसी गुरु से जुड़ जाओ, आप अपने आप को किसी गुरु की कृपा के प्राप्त करो, गुरु की कृपा की योग्य करो, गुरु के मंत्र करिए, किसी गुरु की संस्था से जुड़िए, आध्यात्मिक गुरु शिष्य की परंपरा हो ऐसी कोई भी संस्था से आप जुड़िए, 101% लाभ होगा आपको। कर्मस्थान में शुक्र, यानी कि स्त्री का राज, सर पे स्त्री का राज है, फीमेल्स वीनस, तो शुक्र का कर्मस्थान में आना आपको
फेम भी दे सकता है एंड इट इज योर लॉर्ड ऑफ द थर्ड हाउस तृतीय और अष्टमेश। तो अष्टमेश के लिए आप तृतीय आपके कर्मस्थान में है और ये 24 फरवरी को मकर राशि में जाएगा ग्यारहवें स्थान में। नौवे दसवें शुक्र का ज्यादा इफेक्ट नहीं है लेकिन शुक्र देखिए आप मीन लग्न की कुंडली में आप कभी भी याद रखिएगा बाय बर्थ का शुक्र जहां भी हो जन्म का शुक्र बिकॉज तृतीय और अष्टमेश है वो जन्म का शुक्र जहां भी हो प्रॉब्लम करता है। जन्म का शुक्र को स्टडी कीजिएगा आपका एक्सेप्ट बारहवें स्थान। बारहवें स्थान को छोड़ के शुक्र कुंडली में कहीं भी हो वो प्रॉब्लम ही है आपके लिए। शुक्र से ज्यादा उम्मीदें नहीं होती मीन वालों को। लॉर्ड ऑफ थर्ड एंड लॉर्ड ऑफ द एट लग्न में उच्च का हो गया तो ठीक है। मैंने बोला मंगल लग्न में है आपके बेजे में दिमाग में आपके बहुत स्पीड बढ़ी हुई है और ये मंगल आपका जो टेम्पर बना के रखा हुआ है ये मंगल राशि बदल रहा है 5 फरवरी को आपके धनस्थान में जाएगा। अब जो झगड़ा आपके दिमाग में था वो कुटुंब स्थान में आ रहा है परिवार के स्थान में आ रहा है। परिवार में भी जब आप बोलते हैं अभी केयरफुली रहिएगा बोलने में केयरफुल रहिएगा। 5 फरवरी से 21 मार्च तक आपका भूला हुआ सेकेंड हाउस का मंगल है किसी को जला ना दे परिवार के लोग कुटुंब स्थान में आया है और वो धनेश है धनस्थान में ही आया है मंगल वो एक तरह से डिस्काउंट अच्छा है। वो बुध है देखिए सप्तमेश सप्तमेश बुध 11 में है वाइफ के साथ की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है। 7 फरवरी 2019 से 24 फरवरी 2019 बुध कुंभ में जा रहे हैं यानी कि सप्तमेश 12 में जा रहे हैं वाइफ के साथ। वाइफ विल बी एक्सपेंसिव वाइफ के साथ का जो विचारों में आपका जो डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा 7 फरवरी 2019 से 24 फरवरी में विचारों से वाइफ के साथ डिफरेंस आएगा आपका। और बुध 11 फरवरी से बुध का भी उदय हो रहा है तो वाइफ के साथ विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। 25 फरवरी से 14 मार्च में ये बुध लग्न में आ रहा है। अभी बुध लग्न में आ रहा है यानी कि वाइफ सप्तमेश लग्न में आ रहा है चतुर्थेश लग्न में आ रहा है वाइफ का डोमिनेशन आप पर 25 फरवरी के बाद ज्यादा बढ़ जाएगा। आप देख पाएंगे कि वाइफ आपको हैंडल कर रही है उसकी जिद आप महसूस कर पाएंगे एट द एंड ऑफ द मंथ अपने स्पाउस की वाइफ या हस्बैंड। अब ये वाइफ बोलता हूं क्योंकि मैं खुद मेल हूं इसके लिए मुझे वैसा सोच में आता है। मुझे बार बार कमेंट लिखते हैं आप हाउसवाइफ के लिए क्यों नहीं बोलते हैं। मैं जहां वाइफ बोलता हूं वहां हाउसवाइफ को हस्बैंड सोचना है लॉजिक वही है। गुरु आपके भाग्य में आया हुआ है भाग्य के लिए वृद्धि कारक ईयर है। जहां भी रहेगा गोचर का गुरु भाग्य में आया है तो भाग्य के लिए लाभदायक रहेगा। सूर्य 11वें स्थान में है आपका 13 फरवरी के पहले पिता के लिए जो भी काम करना है वो करके रखेंगे तो अच्छा है। बाद में देखिए आपका जो सूर्य है वो 12वें स्थान में जा रहा है सरकारी कोई कामकाज है तो वो 13 फरवरी के पहले कर लीजिएगा। 13 फरवरी से आपका सूर्य 12वें स्थान में जा रहा है। हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा इट विल बी अ बिग एक्सपेंसिव टाइम आपके लिए खर्च का समय है। और 20 फरवरी से 28 फरवरी तक का एंड ऑफ द मंथ का जो टाइम है वो अपने हेल्थ के लिए देखिए जो आपने कुछ गलतियां कर दी 19 फरवरी तक जो गलतियां की है उसको रेक्टिफिकेशन करने में जाएगा। 20 फरवरी से 28 मार्च को ऑलरेडी देखिए बिग एक्सपेंसिव टाइम था। कोई गलती भी करेंगे आप तो उसके लिए अगर आपकी चार्ट में अगर दम है देखिए चार्ट में दम होगा तो फॉरेन ट्रिप भी मार सकते हैं आप ये टाइम में। बिग एक्सपेंसिव टाइम और अकेला भी रहना पड़ेगा तो ये टाइम आपको 19 फरवरी के पहले एक आध फॉरेन ट्रिप भी हो जाए हो सकता है एक आध मंदिरों की मुलाकात हो जाए और हेल्थ बड़ी होगी तो एक आध हॉस्पिटल की मुलाकात भी हो जाएगी आपकी 19 फरवरी के पहले यानी कि 19 फरवरी तक 1 फरवरी से आप मान लो 3 जनवरी से 19 फरवरी तक में एक हॉस्पिटल की मुलाकात भी हो सकेगी। तो घर में अगर बड़े बुजुर्ग भी हैं तो उसके हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा अपने हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। इट विल बी अ बिग एक्सपेंसिव टाइम। कोई शुभ कार्य के लिए खर्च हो सकता है बच्चे के एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है। संतान साथ में जो राहु है वो बच्चों से विवाद दिलवा सकता है। राहु अभी गुरु के पूरे एस्पेक्ट में 9वीं दृष्टि है गुरु की 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो राहु अंडर फुल्ली कंट्रोल्ड है। देखिए 19 फरवरी को फुल मून है और ये आपके सिक्स हाउस में हुआ है सिंहस्थ में हुआ है
तो ये आपके लिए एक्सपेंसिव टाइम ही मैं बता रहा हूँ, 19 फरवरी का भी। और 27 फरवरी को चंद्र गुरु की युति आपके भाग्य में हुई है। चंद्र गुरु की युति भाग्य में, इसका एक ही मतलब है, आपके धर्मस्थान में चंद्र गुरु की युति आपको कुछ ना कुछ रिलीजियस काम करवाए। अभी ओवरऑल देखिए, ये आपका मीन लग्न है, लग्न से 6, 8 और 12 चंद्र जब भी जाता है हमारी कुंडली में, जब भी 12वां चंद्र जाता है तो विचार है, इनस्टेबिलिटी के विचार, हमें अस्थिरता देता है। 12th house इज अ बेडरूम, इट्स एन एक्सपेंसिव। 6वां स्थान हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम है, यहाँ खर्चा है, यहाँ हेल्थ है और यहाँ अपमान है। तो सिंह तुला और कुंभ का चंद्र है, इसको मैंने मार्क किया है, सिंह का चंद्र है 6 से 7 फरवरी। इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम, कुछ आप गलत रॉन्ग डिसीजन लेंगे 6 और 7 फरवरी। हो सकता है आप कोई डोनेशन भी कर दे, बिग एक्सपेंसिव टाइम का ये पेजेस इस तरह से भी ओपन हो सकता है कि आप कोई डोनेशन में चले जाए, बड़ा डोनेशन कर दो, ये हो सकता है 6, क्योंकि धर्मस्थान प्रबल हुआ है। 6 और 7 फरवरी कुंभ का चंद्र है आपके लिए एक्सपेंसिव टाइम है। 19 और 20 फरवरी हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, झगड़ा झगड़ी का माहौल भी बन सकता है, संतान के साथ विवाद में 19 और 20 फरवरी को ना पड़े। चतुर्थ आपका पंचम है 6 में है, संतान के साथ कोई झगड़ा झगड़ी का विवाद का मामला इस दिन आपके सर पे आ सकता है। 23 से 25 थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन रहेगा, हो सकता है आपके ससुराल के साथ कुछ बातचीत हो और उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो केयरफुल रहिएगा। 23 और 25 फरवरी को भी जहाँ अपमान लगे उससे दूर रहिएगा। ओवरऑल ये पिक्चर आपका ये महीने का 30 जनवरी से 19 फरवरी तक का टाइम को मैं बहुत बढ़िया टाइम नहीं मानता, आप केयरफुल रहिएगा, इट्स ए बिग एक्सपेंसिव टाइम एंड केयरफुल एवरीवेयर, यू शुड बी केयरफुल फाइव हेल्थ वाइज भी केयरफुल है, आपके डिसीजन में भी केयरफुल है, आपके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है, ये बात समझ के चलिएगा। अगर आप कोई ऐसे लेवल पे है जहां आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए तो आपके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है और वो षड्यंत्र आपके सामने 20 फरवरी से 28 मार्च में आएगा, एंड ऑफ द फेब्रुआरी में वो षड्यंत्र या वो चीज आपको रिकग्नाइज होगी, लेकिन वो 19 फरवरी तक आप रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो टेक द डिसीजन, कोई अगर डिसीजन है तो वाइफ या अपने फ्रेंड या सन इधर उधर परिवार की ओपिनियन लेकर करिएगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। आपका देखिए सप्तमेश बुध, मैंने बोला ऐसा वाइफ का जो लॉर्ड है, वाइफ के साथ का भी माथापुटी का जो वक्त है उसको भी आप कंसीडर करिएगा, क्योंकि वाइफ के साथ ही आपका मन उठा हो भंडे वाला हस्बैंड या वाइफ के साथ का, क्योंकि सप्तमेश बुध है वो 12वें जा रहा है 7 फरवरी से 24 फरवरी में। ये लेखा जोखा है पूरे महीने का आपका। आप मैं जो डेट वाइज जो प्रेडिक्शन देता हूँ उसमें अगर आपको कोई ओपिनियन देना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और कुछ सुझाव है तो दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा ना भूलिएगा, और प्लीज फॉरवर्ड माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स हु आर रियली इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।